आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में अभी भी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में नाराज नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नारद राय के पार्टी छोड़ने की चर्चा है और हालांकि अभी तक उनके सपा छोड़ने पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट भी किया है। पूर्व मंत्री ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि जनेश्वर जी नेताजी के आदेश पर सपा के खून पसीने से सींचा, परिवार छोड़ पार्टी हित सर्वोपरि समझा, आज बूथ हारने वाले नए नए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर ज्ञान दे रहे हैं, राजा नारायण जी का वंशज हूँ और अपमान ना सहा है ना सहूंगा, समाज के लिए कुछ भी करूंगा, नेताजी को सदा नमन। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो लोग गद्दारी किए हैं उन्हें भूल जाइए, बात बने या बिगड़े मैं नहीं जानता, मैंने पहले भी कहा था ना किसी को धोखा दिया है और ना धोखेबाजों को पनाह दिया है, समर्थन हो या विरोध, दम है तो सामने से करो। उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि माफ कीजिएगा, मैंने राजनीति में तलवा चाटने का काम नहीं किया है, अपने नेतृत्व को विश्वास में लेकर और आप लोगों का आशीर्वाद लेकर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करके किया है, जब तक जिंदा रहूंगा लड़ता रहूंगा। गौरतलब है कि नारद राय को भी सपा का बलिया सीट से टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सपा ने सनातन पांडे को टिकट दे दिया, इस वजह से नारद राय के नाराज होने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो नारद राय आगामी 29 मई को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।